नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेरा और हाउ टू इंजीनियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एक वीडियो क्यू सीरीज का चौथा वीडियो है। अगर आप पहली बार इस सीरीज के वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि क्यू सीरीज क्या है। क्यू सीरीज एक क्वेश्चन सीरीज है। इस सीरीज में मैं आपके कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित ऐसे सभी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करता हूँ जिसमें आप सभी लोगों को कंफ्यूजन होता है या आप सभी लोगों को डाउट होता है। आप सभी लोगों को लगता है कि क्या ये चीज टेक्नोलॉजी के साथ पॉसिबल है तो कैसे है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आप सभी लोगों के मन में है वो सारे के सारे आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उन सभी को आंसर करने की। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर ने पूछा है, उन्हें ई केवाईसी और केवाईसी के बारे में कंफ्यूजन हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि ई केवाईसी क्या होती है। और आपको ये वीडियो देखना इसलिए भी जरूरी है, अगर आप रिलायंस के जियो का सिम लेना चाहते हैं तो आपको ई केवाईसी की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं ई केवाईसी के बारे में कि ये क्या है, ये कैसे काम करती है और आपको इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो चलिए ई केवाईसी के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि केवाईसी क्या होता है। केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। इसका मतलब यह है कि जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी बैंक हैं, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो सारे के सारे आपको सर्विस देने से पहले आपका वेरिफिकेशन करते हैं। और वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, वो आपसे हार्ड कॉपी लेते हैं आपके आईडी प्रूफ की, आपके एड्रेस प्रूफ की, आपकी आपसे कुछ फोटोग्राफ्स लेंगे और तब जाके वो आपको वेरीफाई करेंगे, तब जाके आपको वो सर्विस दे पाएंगे और फिर आप वो सर्विस को यूज कर सकते हैं। लेकिन ई केवाईसी का मतलब यह है कि जो भी आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा वो सारा का सारा ऑनलाइन होगा। तो ये होता है ई केवाईसी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ई केवाईसी काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना है या फिर आपने किसी कंपनी का सिम लेना है। उस सिम लेने के लिए जैसे रिलायंस जियो का आपने सिम लेना है तो आप जाएंगे रिलायंस के स्टोर में, वहां पर आप उनको बताएंगे अपना आधार कार्ड का नंबर। तो वहां पर सिर्फ आपको करना क्या है, अपने आधार कार्ड का नंबर उनको बता देना है। ना कोई आपको अपना आईडी प्रूफ देना है, ना कोई आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना है, आप सिर्फ उनको अपना आधार कार्ड का नंबर बताएंगे तो वो आपके आधार कार्ड के हिसाब से UIDAI की वेबसाइट से, मतलब उनके डेटाबेस से सारी की सारी डिटेल्स आपकी लेके आ जाएंगे अपने पास। और जैसे उनके पास वो सारी की सारी डिटेल्स आ जाती है, जैसे आपका नाम आ जाता है, आपका एड्रेस आ जाता है, आपकी फोटो वहां पर आ जाती है, तो वो क्या करेंगे आपसे आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे। तो जैसे आपके फिंगरप्रिंट और UIDAI की वेबसाइट में जो पहले से मौजूद फिंगरप्रिंट है वो मैच हो जाते हैं तो इसका मतलब आप वहां पर वेरीफाई हो चुके हैं, मतलब आप ऑथेंटिकेट हो चुके हैं। जो भी आप सिम ले रहे हैं, मतलब जो भी सर्विस ले रहे हैं वो सिर्फ आप ही ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर से वेरीफाई हो गए और वो आपकी सर्विस जो है वो एक्टिवेट कर देंगे। जैसे आपको सिम मिलेगा उसके तुरंत बाद 10 या 15 मिनट बाद आपका सिम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सेम ये केस अगर आप किसी बैंक में जाते हैं, वहां पर आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और अगर वहां पर ई केवाईसी की फैसिलिटी अवेलेबल है तो तुरंत ही आपका बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा और आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर मिल जाएगा। तो ये जो कंप्लीट ऑनलाइन वेरिफिकेशन का प्रोसेस है इसे ही बोलते हैं ई केवाईसी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये जो बिजनेस होते हैं, ये UIDAI के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे ही आप अपने आधार कार्ड का नंबर इनको बताएंगे ये सारी की सारी डिटेल्स आपके वहां पर से लेके आ जाएंगे और आपको ऑनलाइन ही वेरीफाई कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस कहलाया जाता है ई केवाईसी। तो ई केवाईसी के फायदे क्या क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, ये काफी फास्ट है। फास्ट कैसे है, अगर आपको पहले से सिम लेना होता था तो आप क्या करते थे, दुकान वाले के पास जाते थे, वहां पर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे उसको देते थे, फोटो भी देते थे और उसके बाद वहां पर से जो कंपनी वाला है जिसका आपने सिम लिया है वो क्या करता था, शाम को वहां पर से डेटा कलेक्ट करता था, मतलब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट करेगा, अपनी कंपनी में लेके जाएगा, उसको वेरीफाई करेगा, तब जाके वो सिम कहीं अगले दिन एक्टिवेट होता था। और कभी कभी ऐसा होता था जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं उसका कलर थोड़ा सा साफ नहीं आ रखा, फोटो स्टेट अच्छी नहीं आई है, तो वहां पर से वो रिजेक्ट हो जाता था और दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे। लेकिन ई केवाईसी के साथ ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड का नंबर बताना है और अपने फिंगरप्रिंट देने हैं, इससे क्या होगा आपका वेरिफिकेशन तुरंत हो जाएगा और आपका सिम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा यह है कि ये काफी सिक्योर है। सिक्योर कैसे है, क्योंकि सारा का सारा वेरिफिकेशन आपके फिंगरप्रिंट के हिसाब से हो रहा है, तो इसलिए ये काफी ज्यादा सिक्योर है। तो तीसरा इसका जो फायदा है वो है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है, जो भी आपका फोटोस्टेट का खर्चा होता था वो सारा का सारा आपका बच जाएगा, कंपनी का जो एम्प्लॉय का खर्चा होता था वो भी बच जाएगा, क्योंकि कंपनी क्या करती थी किसी एम्प्लॉय को हायर करेगी, वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा, तब जाके वो कंपनी में लेके आएगा। तो कंपनी का भी फायदा है, आपका भी फायदा है। तो काफी अच्छी सर्विस है, आप सभी लोगों को इसे यूज करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ई केवाईसी क्या होता है, ये कैसे काम करता है और आपको इससे क्या क्या फायदे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक का हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ कहीं पर आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप वहां पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक का हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर से क्लिक करके हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए ताकि जितने भी हम पोस्ट डालते हैं फेसबुक में उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू इंडिया।